जी दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पे हम थोड़ी सी बात करेंगे उत्पाद सिपाही का कटअप के लिए, ठीक है। क्योंकि कटअप यहां से अगर हम लोग बात करना शुरू नहीं करेंगे तो फिर फाइनल में हम लोग का कटअप बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लड़कों को अगर ये लग रहा है कि ये जो उत्पाद सिपाही वैकेंसी है यहां पे अगर कंपटीशन लेवल कम है तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि इस बार का उत्पाद सिपाही का जो कंपटीशन है वो सुपर हाई है दोस्तों। अगर पहले हाई था तो इस बार सुपर हाई है ये कंपटीशन। क्यों? क्योंकि देखिए, ये उत्पाद सिपाही का वैकेंसी अभी तक 3 बार निकला है। आप सबको पता है कि 2018 में भी ये वैकेंसी निकली थी, ठीक है, जिसमें एग्जाम आपका हो गया था, ठीक है, फिर रिजल्ट नहीं निकला था। उसके बाद 2022 में निकला जिसमें कुछ भी नहीं हुआ, वैकेंसी रद्द कर दी गई नियोजन नीति के कारण। और इस बार 2023 में फिर से ये वैकेंसी निकला है नियोजन नीति क्लियर होने के बाद। तो इस बार अगर उत्पाद सिपाही का जो वैकेंसी निकला तो नियोजन नीति 40-60 है, तो 40-60 में बाहरी वाला 40% आ रहा है, तो जनरल वाला का कंपटीशन कहाँ हो गया? पूरा हाई हो गया, एकदम सुपर हाई हो गया। जो झारखंड के जनरल है उनके लिए तो पूरा भारत का कंपटीशन बन गया। ये जो झारखंड के जनरल कैंडिडेट है उनके लिए तो पूरा भारत के यहाँ पे कैंडिडेट आके यहाँ पे लड़ेंगे, ठीक है, इस वैकेंसी के लिए। बाकी बचा जो हम लोग का जनरल ओबीसी कैंडिडेट बच गए हैं या फिर SC ST कैंडिडेट बच गए हैं, तो उनको अगर रिजर्वेशन लेना है तो रिजर्वेशन में भी देखिए तीन कैटेगरी के कैंडिडेट आ गए। जो 2018 में जिनका एज पार हो गया था वो इस बार वैकेंसी को नहीं भर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन सरकार निकाले हैं, उन्हें भी मौका देगा। तो काफी अच्छा किया है, क्योंकि 2018 वाला कैंडिडेट बाहर हो जा रहा था, तो बहुत अच्छा किया है कि उनको भी मौका दिया। तो एक तो वो सारे लड़के लोग आ जाएंगे, फिर 2022 में वैकेंसी निकला वहां पर वो लड़के आ जाएंगे, और 2023 में, ठीक है, जो वैकेंसी निकला तो आप लोग सभी आ जाएंगे। तो यहाँ पे सब लोग आ जा रहे हैं, और जो नए कैंडिडेट जो मैट्रिक पास किए हैं वो लोग भी आ जाएंगे। तो कंपटीशन लेवल क्या हो गया? बहुत ज्यादा हाई हो गया, सुपर हाई हो गया इस बार का वैकेंसी में। तो आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? पूरी सुपर हाई तैयारी भी होनी चाहिए, क्योंकि तभी कटअप बनेगा आपका। देखिए, मेरिट बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपको लगता होगा कि फिजिकल बहुत ही हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिकल 10 किलोमीटर जो कि झारखंड पुलिस लेती है ना, 10 किलोमीटर की रनिंग, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल होती है, ठीक है। मैं बार बार बता दूं कि आप लोग अगर बिना रुके, अगर आप लोग की दौड़ने की क्षमता 1 घंटा 10 मिनट की है, कोई भी लड़का, मैं बता रहा हूँ, कोई भी लड़का जिसकी क्षमता 1 घंटा 10 मिनट की है, अगर वो ग्राउंड में 1 घंटा 10 मिनट अगर दौड़ लेता है तो वो इस वैकेंसी को आसानी के साथ क्वालिफाई करेगा रनिंग को। क्योंकि 1 घंटा ज्यादा हार्ड रनिंग नहीं है, आप लोग धीरे धीरे भी अगर दौड़ते रहिएगा तो आपकी जो दौड़ है 100% दोस्तों आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे वहां पे, ठीक है। क्योंकि 1 घंटा काफी अधिक समय होता है, और जो यंग लड़के जो थोड़ा भी इनका फिजिकल लेवल जो खेलकूद करते हैं उनको डेफिनेटली दिक्कत नहीं होगी, मुझे 100% विश्वास है, ठीक है। जो भी गांव के लड़के हैं उनको तो थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो लोग भी खेलते कूदते हैं दिक्कत किसे होगा? जो लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं और फिजिकल जो लोग खेलते कूदते कुछ नहीं करते हैं वो यहाँ से बाहर हो जाएंगे 10 किलोमीटर में अलावा, ठीक है। क्योंकि वो 100% 10 किलोमीटर नहीं दौड़ पाएंगे, जो कभी भी रनिंग नहीं किया है, खेलता कूदता नहीं है, वो लड़के लोग यहाँ से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। जो लड़के लोग थोड़ा भी जो खेलकूद करते हैं डेफिनेटली वो लोग पास हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए गाँव के सभी लड़के यहाँ पे क्वालिफाई होकर आ रहे हैं। दौड़ ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, जहां भी दौड़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको कोशिश करना है 1 घंटा 10 मिनट का एकदम हर रोज दौड़ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप लोग की जो रनिंग है, ठीक है, अभी कौन सा महीना चल रहा है? जून चल रहा है, ठीक है। अभी 30 तारीख तक फॉर्म फिलअप होगा, सबसे पहले तो 30 तारीख तक फॉर्म फिलअप होगा, और 30 तारीख तक फॉर्म फिलअप होने के बाद आप लोग का जो नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ से क्या हो जाएगा कि आपका एक महीना जो जहाँ पे रनिंग होना है वहाँ का सिलेक्शन हो, कहाँ कहाँ सरकार को रनिंग लेनी है, ठीक है। तो वो सब जगह अभी तैयार करेगी सरकार। उसके बाद अगर से मान के चलिए कि आप लोग का रनिंग होना शुरू हो जाएगा, इसीलिए दौड़ की प्रैक्टिस जारी रखिए, और जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम की तैयारी पूरे ईमानदारी के साथ लगभग 8 से 10 घंटा की मेहनत करिए, तभी आपसे एग्ज़ाम निकल पाएगा। और मैंने जैसे कि बताया कि 3 पेपर होनी है, और तीनों पेपर क्या होगा कि एक ही दिन में होगा, तो तीनों पेपर के लिए मेहनत भी उसी प्रकार से करिएगा, तभी तीनों पेपर एक दिन में आपसे निकल पाएगा सही तरीके से। तो पहला पेपर जैसे कि है हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश, और दूसरा पेपर लैंग्वेज है। तो अगर दोनों पेपर में आप लोग लैंग्वेज जो पेपर है लैंग्वेज पेपर में अगर हिंदी लेते हैं तो दोनों पेपर में आपको वो हेल्प करेगा, ठीक है। पहला पेपर में भी हेल्प करेगा और जो दूसरा पेपर है उसमें भी हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि पहला पेपर में भी हिंदी इंग्लिश है और दूसरा पेपर में भी लैंग्वेज पेपर में भी हिंदी का ऑप्शन दिया है, तो अगर वो लेते हैं आप लोग तो दोनों में आपको क्या होगा कि मदद करेगा वो चीज, ठीक है। तो हिंदी होगा तो ले लीजिएगा, बाकी आपका अगर कोई और लैंग्वेज पेपर में अच्छी पकड़ है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली लीजिए, क्योंकि जो लैंग्वेज पेपर है वो मेरिट में शामिल होगा, ठीक है। इसलिए लैंग्वेज पेपर का चुनाव अपने मन से करिएगा और अच्छे से करिए, क्योंकि ये मेरिट में शामिल होगा तो मेरिट बनाने में आसानी होगी आपको, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम का बात,
और तीनों पेपर का एग्जाम एक ही दिन होगा। बहुत सारे लड़के कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर जो एग्जाम होगा उसमें एक पेपर के बाद दूसरा पेपर के लिए कितना समय मिलेगा। कुछ नहीं, आप लोग जब भी एग्जाम देने जाइएगा, एक पेपर होगा फिर 1 घंटा का ब्रेक दिया जाता है, फिर दूसरा पेपर होगा फिर 1 घंटा का ब्रेक, और फिर 1 घंटा बाद तीसरा पेपर आपसे ले लिया जाएगा। तो एक ही दिन में तीनों पेपर का एग्जाम हो जाएगा। तो उस हिसाब से मेंटल एकदम तैयार रहिएगा। एक एग्जाम अगर खराब भी चल जाए तो उसके लिए सोचते नहीं रहना है, ठीक है। दूसरा पेपर को कोशिश करिएगा कि अच्छे से पास करने के लिए, क्योंकि पहला पेपर में हम लोग को सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। पहला पेपर क्या है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, वो तो मेरिट में शामिल होगा नहीं। दूसरा पेपर और तीसरा पेपर हम लोग का मेरिट में आ रहा है, ठीक है। तो जितना अधिक हो सके उतना अधिक प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। जो लोग का फिजिकल पहले से मजबूत है उनको ज्यादा फिजिकल पे ध्यान नहीं देना है, उन्हें क्या करना है कि एग्जाम पे फोकस करना है। तो कोशिश करिएगा कि एग्जाम पे जितनी अधिक हो उतनी अधिक फोकस करने का, तभी आपका कटअप बन पाएगा। पहले क्या होता था कि अगर मैं बात करूँ तो पहले जो झारखंड का कोई भी एग्जाम होता था तो कटअप, खास करके अगर झारखंड पुलिस की मैं बात करूँ तो कटअप 55 और 65 के आसपास ही घूमता था। लेकिन इस बार की अगर हम लोग बात करें तो कंपटीशन लेवल, क्योंकि बाहर के कैंडिडेट अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आ रहे हैं अब झारखंड में, तो जनरल वाला का कटअप जो है वो डेफिनेटली 70 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को अपने उस हिसाब से तैयारी करना है कि आपका भी कटअप जो है वो 70 पार, अगर आप लोग सेट प्रैक्टिस करिएगा तो 70 पार कम से कम आपका भी जो कटअप है वो आए, ठीक है। इसीलिए और बात करोगे एससी एसटी कैंडिडेट की और ओबीसी की कटअप की, तो पहले क्या होता था कि 60 के आसपास ही रहता था कटअप, ठीक है। लेकिन इस बार 60 और 70 के बीच में आपका कटअप देखने को मिल सकता है। इसीलिए पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करिएगा, तभी आपका जो रिजल्ट है वो बन पाएगा। नहीं तो अभी से अगर मेहनत नहीं करिएगा एग्जाम के लिए तो फिर नहीं होगा। फिजिकल के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ग्राउंड जाना है, ग्राउंड में अगर 1 घंटा 10 मिनट अगर आप लोग खाली रनिंग करना है, ठीक है, स्पीड पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आप लोग 1 घंटा 10 मिनट की अगर रनिंग पूरी ईमानदारी के साथ कर लेते बिना रुके तो डेफिनेटली आप लोग क्वालिफाई हो जाइएगा, ठीक है। तो रनिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, रनिंग आपसे हो जाएगा थोड़ा भी अगर आप लोग खेल कूद अगर करते हैं, ठीक है। लड़कियों के लिए ध्यान देने वाली बात है क्योंकि उनका सेट हमेशा खाली चल जाता है, तो लड़कियों को ध्यान देना है फिजिकल के ऊपर सबसे ज्यादा। लड़कियां एग्जाम में उनका ज्यादा कटअप जाता नहीं है, वो फिजिकल में अधिक से अधिक बाहर हो जाती है। तो लड़कियों के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि उनको ज्यादा फिजिकल में ध्यान देना है, उसके बाद एग्जाम पे आना है। तो एग्जाम पे उनका कटअप लो ही जाता है हमेशा, ठीक है। और उत्पाद सिपाही क्योंकि शराब नियंत्रण विभाग है तो इसमें लड़कियां भी कम जाना चाहिए, इसीलिए उनका कटअप भी कम जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छा मौका है उनके लिए भी जो लड़कियां इसमें जाना चाहती है, ठीक है। तो यही बात है दोस्तों कि कटअप आपका हाई जाएगा इस बार, तो उस हिसाब से तैयारी करिएगा, ठीक है। बाकी फिजिकल को नॉर्मल लेके चलिए, उस हिसाब से तैयारी करिए, 1 घंटा 10 मिनट की प्रैक्टिस करिए रनिंग की, ठीक है। डेफिनेटली आपसे जो फिजिकल है वो आसानी के साथ निकल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।